राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्रोफेसरों ने शास्त्री भवन के सामने लगभग एक माह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की बेरुखी का आलम यह है कि यह लोग पार्लियामेंट के नज़दीक और शास्त्री भवन के ठीक सामने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इन्होंने मांगे ना माने जाने पर केंद्र सरकार को भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। गौरतलब है कि शास्त्री भवन में ही शिक्षा मंत्रालय सहित लगभग एक दर्जन से अधिक मंत्रालय यहां पर हैं। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से हाथों में तकनीकी शिक्षा में अभूतपूर्व परिवर्तन करने के बावजूद आईआईटी और एनआईटी में पढ़े ये शिक्षक बेरोजगारी की दहलीज पर हैं। मोदी जी सुनो गुहार के संदेश वाले पोस्टर लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। एनआईटी और आईआईटी जैसे संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त यह लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं। एक प्रदर्शनकारी अंशुल अवस्थी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के जरिए सहायक प्रोफेसर के लिए करीब 1500 पदों पर वर्ष 2017 में भर्ती हुई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने 6-6 माह करके इनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया और इनके साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसमें सरकार ने इनको कहा कि जिस राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी वो राज्य आपकी समायोजित करेगा और आपकी नौकरियां चलती रहेंगी, मगर समय पूरा होने पर राज्यों ने हाथ खड़े कर लिए और अब 30 सितंबर को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनका कहना है कि अगर हमारा कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रही है, अगर इनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया तो ये लोग खुदकुशी करने को मजबूर हो जाएंगे। इस कारण करीब 1234 सहायक प्रोफेसर बेरोजगार होने के कगार पर हैं। इनकी केंद्र से गुहार है कि वह कार्यकाल की अवधि को बढ़ाएं, वरना 30 सितंबर से सहायक प्रोफेसर यहाँ बैठकर भूख हड़ताल करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सुबह अस्पताल में रक्तदान करके भी अपना विरोध दर्ज कराया है। परेश सिंह, पब्लिक न्यूज़ टीवी, दिल्ली। शास्त्री भवन के सामने सर हम लोग 2017-18 में हिंदो को प्रोफेसर हैं जो उस समय एनएचआरडी के थ्रू सेलेक्ट किए गए थे और 12 स्टेट्स में सरकार के द्वारा भेजे गए थे, क्योंकि दो स्टेट्स थे जहाँ तक शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। उस समय सर हम लोगों को बताया गया था कि हमारी 3 साल की उम्र है, बट आफ्टर पोस्ट प्रोजेक्ट जो है जो भी वेल परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं उनको रिस्पेक्टिव स्टेट के द्वारा रिटेन किया। तो आज 4 सितंबर पर होने वाली है और अब तक जो है हमारे रिटेंशन संबंधी सरकार की तरफ से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। हमारी नौकरी के क्षेत्र में है, हम लाचार यूनिवर्सिटी यहाँ पिछले 1 महीने से शास्त्री भवन के सामने शांति प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारे विषय में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया, जबकि ऐसा कुछ एमओयू में कहा गया था सरकार के द्वारा, ये प्रॉमिस किया गया था बार बार स्टेट के प्रमुख सचिवों ने उसको साइन किया। तो हम अपनी मांग को लेकर कह रहे हैं कि हमारे संबंधित जो भी रिटेंशन या जॉबसन होना है उसके प्रति सरकार जो है। कितने लोग हैं आप सर? हम लोग अभी करेंट में उस समय 1554 लोग सेलेक्ट किए गए थे, अभी करेंट में 1290 अप्रॉक्सीमेटली। आपके लगभग 1 माह हो गया धरना? हाँ, लगभग 1 माह। किसी ने बात की आपकी सरकार की तरफ से? यस सर, सरकार से जो है बातें हो रही हैं, बातें की गई हैं, बट कोई आश्वासन नहीं दिया गया सर। मोदी जी और कई प्रमुख सचिवों से भी बात हुई, बट एक्चुअली हम लोग एक पेंडुलम की तरह बने हुए हैं, जिस स्टेट में काम करते हैं वहाँ की सरकारें कह रही हैं कि हम आपको रिक्रूट सेंटर ले लिया है तो आपका जो है और यहाँ से जब बात हुई थी तो यहाँ से जो है यहाँ से जो संबंधित स्टेट में आप काम कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं तो एक्सन या रिटेंशन उनके द्वारा होगा। आपको लगभग 1 माह हो गया सरकारी नौकरी को?
किसी अधिकारी ने आपसे बात की? नहीं सर, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बस जो है हम लोग इसमें पड़े हुए हैं कि आप प्रेशर बनाइए। शुरुआत में यहाँ से कहा गया था कि आप रिसेप्शन में काम करते हैं वहाँ पे दबाव बनाइए, तो हम लोग कैसे दबाव बनाएंगे? काम सरकार का है। किसने कहा दबाव बनाने के लिए? माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था, आश्वासन भी उन्होंने ऐसा दिया था कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं कभी बोला गया कि हमका हमारा कुछ नहीं हो सकता। हमने बोला हम भी सेंटर का दबाव बना रहे हैं। हमारा कहने का ये मतलब था कि जब सरकार केंद्र सरकार जो कि पूरी तरह से एकदम पावर में है सर, वो अगर जो दबाव नहीं बना सकती है तो हम जो है अलग अलग स्टेट में दबाव कैसे बना सकते हैं? आप बारे को लोग हैं क्या पद पोस्ट आप लोगों लोग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वो इंटर स्टेट है, वहाँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग काम करते हैं। और हमारी काम की तारीफ सब सारी निष्ठा जो सरकारी एजेंसियाँ उन्होंने नीति आयोग किया सर, या फिर जो स्टीयरिंग कमेटी हो या ICT के डायरेक्टर, सबने बोला कि हम अच्छे लोग, सबने ये बोला रिकमेंड किया कि इनको रखना चाहिए। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट की मंशा क्या है सर, ये समझ में नहीं आता। मतलब गवर्नमेंट चाहती क्या है, अच्छे लोग काम ना करें या फिर कुछ और? क्योंकि अगर जो हम अच्छे हैं तो लॉजिकली ये भी देखा जाना चाहिए कि हम अच्छे हैं तो हमें रिटेन करो, वरना हम पे जो करोड़ों रुपए आपने IIT में ट्रेनिंग करवा के, क्योंकि हर साल हमारी IIT में ट्रेनिंग है और हम पे करोड़ों रुपए खर्चे किए गए, तो जब हमको बाहर जाके जो है ऐसे रोड पे खड़े होना है तो हमारी ट्रेनिंग का क्या फर्क? उसमें करवाएंगे हमारे साथ या ट्रेन टीचर तो हो लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है, ये चीज़ें थोड़ी सी समझ से पड़े हैं। आप 1200 लोग अच्छे प्रोफेसर हैं और लगभग एक माह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई देखने सुनने वाला नहीं है यहाँ पे? कोई देखने सुनने वाला नहीं है। कभी कभी एक आध बार से एक दो बार हमारी प्रधान से बात हुई, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप चले जाइए, पर ना ही ये कहा कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, पर बोला कि कुछ होगा आपके लिए हम दबाव बना रहे हैं। तो सर या तो सरकार ये बोल दे कि पढ़े लिखने होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सर हमने से सब IIT और NIT से MTech किए हुए हैं, ठीक है, तो इतनी अच्छी जगहों से पढ़ के भी अगर जो रोड पे ही खड़ा होना है, रोड की धूल अपने मुंह पे ही लेना है, तो हम पढ़े लिखे क्यों? ज़्यादा बढ़िया हम अपराधी बने, बढ़िया अगर जो उन्हीं के थ्रू हमारा कुछ होने वाला है, अगर जो अपराध करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम पढ़ लिख के क्यों आगे बढ़ना है? या तो सरकार प्रोत्साहित कर रही है इस चीज़ के लिए कि आप यही सब आपको रोजगार नहीं मिल सकता ही नहीं, इतना ही नहीं सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं और लॉकडाउन से लेकर अब तक सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, उसमें अगर हमारा काम ईमेल से हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम 25 दिनों से ये सारे IIT रिक्रूटेड प्रीमियर स्कूल्स के स्टूडेंट जो हम लोग हैं टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं, हम क्या संदेश देंगे समाज को? क्यों कोई प्रीमियर स्कूल में जाए? क्या यही भविष्य है? यही भविष्य है कि हम 25 दिन से खड़े रहे और मुंगों की तरह जो है सरकार मुंह को धीप बन के खड़ी हुई है और कुछ कल हमारी नौकरी की अंतिम दिन। जब पिछली बार हम लोग आए थे तो सरकार ने आश्वासन दिया था, निशंक पोखरियाल जी उस समय शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार के बाद आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगले 6 महीने के अंदर आपका सारा कुछ हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सॉल्व कर देंगे और एब्जॉर्व आपको कर दिया जाएगा। लेकिन ये हमारा अनफॉर्चुनेट कहिए कि हम लोगों को फिर से आकर पिछले 1 महीने से यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है, उसके बाद भी सरकार असंवेदनशील है हम लोगों के लिए, तो हमारा सरकार से आग्रह है कि अभी से कम हम लोगों को एक पुख्ता आश्वासन दिया जाए ताकि जाकर हम लोग अपना काम फिर से अच्छे से करें। जैसा कि आपने देखा लापरवाही का आलम ये है, ये सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सारे के सारे IIT से MTech NIT से किया हुआ है, PhD है और लगभग 1 महीने से शास्त्री भवन के ठीक सामने पार्लियामेंट से लगभग 400 कदम दूरी पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मौन शांतिपूर्वक और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। परेश सिंह, पब्लिक न्यूज़ TV, दिल्ली।